हरिओम, श्री राम अंबद्य। मेरा नाम आशा पुजारी है, मैं विरार कन्नड़ा केंद्र से हूँ। हम लोग, मैं ऑफिस जाती हूँ प्रभा देवी दादर, तो हम लोग जैसे विरार में रहने वाले कम्यूटर्स हैं उनके लिए हम लोग कुछ ना कुछ हमेशा थैली में, बैग में खाने के लिए रहते हैं, बॉटल्स के पानी वगैरह रहते हैं। एक बार मैं लास्ट मोमेंट पे आई लेडीज स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए, और लास्ट मोमेंट पे आके मैं ट्रेन में आके बैठ गई। बैठे तो मेरी फ्रेंड को मैंने बोला, अरे आज तो मेरा बैग खाली, कुछ भी पैकेट भी नहीं है, तो भूख लग रही, पता नहीं क्या है, अचानक से भूख लग गई। तो बोली, अरे हाँ मेरे पास भी आज कुछ नहीं है खाने के लिए। ऐसा हम लोग बात ही कर रहे थे तो उसने बोला, अरे तेरे बापू को बोलना, बापू भिजवा देंगे। उसने ऐसे ही मुझसे कहा। तो मैंने बोला, इतनी सी बात के लिए बापू को क्या परेशान करना। तो इतने में ना अंधेरी स्टेशन आया, उसमें से एक लड़की आई वहाँ से, और वो प्रेग्नेंट थी, वो हमारे ग्रुप की थी। उसको हम लोग हमेशा जगह देते हैं बैठने के लिए, आ जाओ शी इज़ प्रेग्नेंट, मतलब बैठे। तो वो बैठी और साथ में बाद में बैग खोला और उसने ना 3-4 पैकेट खाने के निकाले, गरम गरम लेके आई थी वो फरसान वाले के पास से, और बोली, मैं कल से मैटरनिटी लीव पर जा रही हूँ, ये तुम लोग के लेकर आई हूँ खाने के लिए, तुम लोग खा लो। इतने में मेरी फ्रेंड बोलती है, देखा, बोला ना बापू ने तेरे लिए भेज दिया खाने के लिए। ये इतना सुंदर अनुभव है कि खाने के बाद हम लोग को, मिस मेरे आँख में आंसू आ गए कि बापू हम लोग को इतनी छोटी छोटी बात में भी हमारे केयर करते हैं ना, कि मतलब हम लोग उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि बापू कितना हमसे प्यार करते हैं। बापू का प्यार जो है वो एक्सप्लेन के बियॉन्ड लिमिट है। हरिओम, श्री राम अंबद्य, नाथ सभी।